हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है बाय विदेशिया यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सभी की भरपूर डिमांड की वजह से मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का जो लास्ट पेपर थर्ड पेपर है, उसके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ऐसे जो भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, उन सारे क्वेश्चन को मैं लेकर यहाँ पर आप सबके सामने आ चुका हूँ। तो स्टूडेंट, जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। बच्चों, जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जो आप सभी के एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, वो है डिफाइन इथोलॉजी, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ पैटर्न ऑफ बिहेवियर इन ऑर्गेनिज्म इन ब्रीफ। यानी यहाँ पर जो है इथोलॉजी यानी कि एनिमल बिहेवियर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। एनिमल बिहेवियर क्या होता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर टू स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोलॉजिकल सक्सेशन, डिस्क्राइब द जनरल प्रोसेस ऑफ सक्सेशन। यानी कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, ये कैसा प्रोसेस है, और इसके जो पूरी जो उसकी मैकेनिज्म है, उसके जितने भी स्टेप्स हैं, उन सबको अच्छे से विद डायग्राम आपको प्रिपेयर कर लेना है। यहाँ पे आपको हाइड्रोसियर, जीरोसियर, इन सब तरह के जो सक्सेशन होते हैं, इनको भी अच्छे से विद डायग्राम प्रिपेयर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर थ्री स्टूडेंट्स, यहाँ पर है डिफाइन रिस्पॉन्स, गिव एन अकाउंट ऑफ डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है ये टॉक्सिकोलॉजी यूनिट से पूछा गया है। मैंने आप सबको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ ऑनलाइन क्लासेस में, तो आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप क्या होती है। इसको बहुत अच्छे से आपको एग्जाम में लिख डालना है। क्वेश्चन नंबर फोर स्टूडेंट्स, यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय वायरल डिजीजेस, राइट अबाउट टू वायरल डिजीज एंड देयर कंट्रोल। स्टूडेंट्स, वायरल डिजीज क्या होती हैं, ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट वायरल डिजीज को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, उनके कंट्रोल को भी आपको अच्छे से तैयार करके एग्जाम में जाना है। क्वेश्चन नंबर फाइव स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिस्कस कॉजेज एंड पैटर्न ऑफ माइग्रेशन इन बर्ड्स। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बर्ड्स के माइग्रेशन को आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, या फिर हो सकता है कि आपसे फिशेस के माइग्रेशन के बारे में पूछा जाए। तो स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, फिश और बर्ड दोनों के माइग्रेशन को आप तैयार कर लीजिएगा, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्वेश्चन नंबर सिक्स स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिफाइन कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। स्टूडेंट्स, ये पॉल्यूशन का क्वेश्चन है, आप सबको पता है कि ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है, तो इसके क्या कॉजेज है, उसका क्या इफेक्ट है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेवन स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिस्क्राइब सोर्सेज, टाइप्स एंड इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यानी जल प्रदूषण यहाँ पर पूछा जा रहा है। बहुत ही कॉमन पॉल्यूशन स्टूडेंट्स, वाटर पॉल्यूशन होता क्या है, इसके सोर्सेज क्या होते हैं, उसके टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, और किस तरह से उसमें और कितने सारे जो उसके कंट्रोल हैं, कंट्रोल मीजर क्या होते हैं, उसका इफेक्ट क्या होता है, इन सब चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर एट, यहाँ पर देखिए, राइट एन एसे अबाउट माइग्रेशन ऑफ फिशेज। इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी आपको एक बार बता दिया कि ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बर्ड्स और फिशेज दोनों के माइग्रेशन को आपको प्रिपेयर करके जाना है। क्वेश्चन नंबर नाइन स्टूडेंट्स, राइट एन एसे ऑन इकोलॉजिकल पिरामिड। स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोलॉजिकल पिरामिड जो थ्री टाइप्स के होते हैं, उन तीनों टाइप्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में विद डायग्राम पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर टेन स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, ये तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, और यहाँ पर 10 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। पहला यहाँ पर जो लिखा हुआ है, DDT यानी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप शॉर्ट में तैयार कर लीजिएगा। सेकंड है निके, तो निके क्या होता है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, इकोलॉजी का क्वेश्चन है। फूड चेन क्या होता है, इननेट बिहेवियर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। LC50 आपको मैंने पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे से, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। एसिड रेन, टॉक्सिकेंट्स, जीनोबायोटिक्स, LD50, बैक्टीरियोफेज, तो ये सब सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन सारे क्वेश्चन को जो भी मैंने आपको सजेस्ट किया है, अगर आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो थर्ड पेपर जूलॉजी का होने वाला है वो बहुत ही अच्छा होगा। साथ ही स्टूडेंट्स, अगर इन क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपकी कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करिए, मैं आप सभी के कमेंट पर रिप्लाई भी दूंगा। वीडियो को अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट देखने के लिए थैंक यू।